एक बार आप वृंदावन धाम जाएंगे तो श्री भागवत निवास है, वहां स्थान है रमण रीति इस्कॉन के बगल में ही, भागवत निवास। पूज्य पंडित बाबा महाराज, उनके पास एक मट्टी का करुआ था, मट्टी का ब्रजरज का, तो वो क्या करते भैया, उसी से तो शौचालय जाते और उसी से स्नान करते, उसी से भगवान को स्नान कराते, उसी से प्रसाद बनाते। विद्वान पंडितों ने, आचार्यों ने देखा ये क्या करते हैं, इसी को तो शौचालय क्रिया में लेके जाते हैं, शौचालय में इसी से भगवान की पूजा कर रहे हैं। बात जमी नहीं, सारे वृंदावन के ब्राह्मण महात्मा साधु मिलकर पहुंच गए, बोले बाबा एक बात बता, तू इतना बड़ा पंडित है, ज्ञानी है, भजन करता है भगवान का, पर तुझे कुछ शुद्धता अपवित्रता का पता नहीं है, शुद्धता क्या होती है, अपवित्रता क्या होती है। अब ये तो दिव्य महात्मा, इन्होंने हाथ जोड़ा, महाराज क्या गलती हो गई, बोले एक बात बता, इस करुआ से आज भी उस करुआ के दर्शन होते हैं, वहां अंदर रखा हुआ अलमारी में कांच लगा हुआ है और उसके दर्शन होते हैं। श्री पंडित बाबा महाराज उसी पात्र से जल पीते थे, भगवान को भी जल पिलाते थे और प्रसाद भी बनाते थे। जैसे सब महात्मा ब्राह्मण वृंदावन के सब वृष्ट लोग पहुंचे तो क्या कहा, बोले महाराज पवित्रता नहीं जानते हो, सारी बात बताई। तब श्री पंडित बाबा महाराज ने कहा कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अरे आपको पूछना है तो करुआ से पूछो। बोले करुआ से, वो क्या जवाब देगा, बोले जरा देखो उसकी तरफ। आहा, जैसे सब ब्रजवासियों ने, ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने, आचार्यों ने, जो कर्मकांड की निधि है, जो कर्मकांड की निधि है, वो सब क्या देख रहे हैं, आज वो करुआ नहीं है, वो मिट्टी नजर नहीं आ रही है, मिट्टी नहीं है, आहा मणि मुक्ता हार से बना हुआ है, विभिन्न प्रकार के रूपों का दर्शन करा रहे हैं करुआ जी। सब ब्राह्मण कर्मकांड के बड़े बड़े विद्वान उसको दर्शन करते करते मुग्ध हो रहे हैं, ये क्या है, अभी तो मिट्टी का था अब सोने का हो गया, ये तो नाना प्रकार के रत्न का परिवर्तन हो रहा है, इसके रंग में परिवर्तन हो रहा है। सबने हाथ जोड़ा, बाबा महाराज लीला समझ में नहीं आ रही, इस संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। तब श्री पंडित बाबा महाराज ने कहा, हे करुआ देव, हे रजरानी, हे ब्रजरानी, ऐसो मत कर, ये मेरी भक्ति पर संदेह करें कोई बात नहीं, पर आप इनको दर्शन दो, आप कौन है। आहा, तब करुआ की धुनी आई, आवाज आई, हे ब्राह्मणों, हे ब्रजवासियों, आप जानते हो मैं कौन हूं, मैं कि ऐरी गैरी जगह की मट्टी नहीं हूं, ध्यान करो, मैं श्री कृष्ण के स्वपद रमणम, श्री श्याम सुंदर मदन मोहन के चरणों की रज हूं, और मैं जो भगवान के श्री चरणों में लग जाता है वो दिव्य हो जाता है, अरे और तो और जो वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर जाता है, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतोन, स्पष्ट लिखा हुआ है शास्त्र में कि जो वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर जाता है वो ऐरा गैरा नहीं, वो पर सच्चिद घनताम उपेति, भगवान सच्चिदानंद का स्वरूपान हो जाता है वो। अब सोचो जो वृंदावन में प्रवेश करने से उसका ऐसा स्वरूप हो जाता है, पर जो कृष्णों के रज से हो, जो कृष्णों के चरणों में लगी हो, उसकी महिमा क्या होगी। तो संत जब कृपा करते हैं तो भगवान के इस प्रकार से भी दर्शन हो जाते हैं।